ये वो पैसे हैं जो कि हम अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा गाइस, आज हम मेरा एक टीवीसी शूट है जो कि मैं उसमें रिजवान भाई जो क्रिकेटर हैं उनके साथ, क्योंकि वो एज अ क्रिकेटर उसमें काम कर रहे हैं और मेरा उसमें क्योंकि ये बैंक का शूट है तो मेरा उसमें जो करेक्टर है वो बैंक मैनेजर का और एक लड़की है साथ जो मतलब जो करेक्टर्स बनाए हुए हैं। एनीवेज आज का शूट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको अपने शूट पे जो जो लोग होते हैं जो काम करते हैं वहाँ पे प्रोडक्शन लाइटिंग और जो सेट तैयार करते हैं कैमरा मैन DOP वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके साथ साथ हम अब आपको अपना शूट भी होता दिखाएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा जरूर जो मज़े की बात यह है कि जब आप किसी सेलिब्रिटी के साथ काम करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि रिजवान भाई के साथ कुछ पिक्चर्स ले ली जाएँ क्योंकि वीडियोज़ में ये लोग माइंड करते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता कि बार बार किसी को बोलना कि वीडियो में ये करें। तो सेट पे जो भी चीज़ बनेगी उसको साथ अटैच करेंगे और थोड़ा सा PC होटल घूमेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं वो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं जी क्या सूरत हाल है और क्या क्या चीज़ें कैप्चर करते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे व्लॉग में, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। चलते हैं अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। गाइज, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद हम पहुँच चुके हैं PC होटल के अंदर। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी और लेकिन ये है कि शूट का उनको पता था, जैसे उन्हें मैंने बताया कि मेरा शूट था क्रिकेटर्स के साथ तो उन्होंने मेरा पास वगैरह बनाया और मुझे जाने दिया। लेकिन काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है ना इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चन आंसर ये वो बहुत ज़्यादा की उन्होंने। है PC रेस्टोरेंट, सॉरी। लो जी, हम अंदर आ चुके हैं जी PC होटल के इनसाइड। फर्स्ट लेफ्ट, यहाँ से यार अभी हमारा सेट रेडी हो रहा है, आप देखें अभी यहाँ पे सेट है और ये हमारी टीम है प्रोडक्शन और मैं कैसे शूट पे आता हूँ ये आप देख लें। मिरर गंदा है लेकिन हम अच्छे हैं जी। पूछें अशोक भाई, क्या पूछ रहे थे आप? मैं कौन से सीक्वेंस में हूँ? यार मेरा करेक्टर इसमें है क्योंकि ये बैंक अल्फला का शूट और मैं इसमें मैनेजर जो हमारे क्रिकेटर्स आएंगे उनको मैं डील कर रहा हूँ। अच्छा, मेकअप वगैरह आप करेंगे? नहीं, क्या करते हैं? स्टाइलिंग के लिए, तो वो ही हो गया ना। चलो जी, हमारी कॉफ़ी आ गई है। थैंक यू भैया, क्या नाम है आपका? काशी। बहुत शुक्रिया काशी भाई, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। कॉफ़ी कॉफ़ी के बगैर शूट मुकम्मल नहीं होता। तो बहुत गर्म है, थोड़ी ठंडी हो जाए फिर पियेंगे। यार आप कमेंट करके बताते नहीं है मैं कैसा लग रहा हूँ आज। ये मैंने मेकअप नहीं भी करवाया, मेकअप के बाद की पिक्चर आपसे शेयर करेंगे। वीडियो बकायदा ग्रूमिंग होते हुए की और स्टाइलिंग वगैरह, जैसे अभी मेरे बाल देखें कैप पहनने की वजह से बिल्कुल बैठे हुए हैं, तो बाकी चीज़ें भी आपसे शेयर करूँगा। कमेंट करके बताएं यार। अच्छा, लाइट तेज़ हो तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता ना। कैमरे का मार्कअप चेक कर रहे हैं बॉस अभी। कैमरे का मार्कअप चेक किया जाता है ना, तो फिर उसके बाद वार्डरोब चेंज होगा। पहले सीक्वेंस मेरे हैं रिजवान क्रिकेटर्स के साथ और हमारे दोस्त सेट को साफ करते हुए सेट में मौजूद हैं। अभी सारा सेट लगा हुआ है। यार अभी शूट में काफ़ी टाइम था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बाहर घूम फिर ये आ जाए। तो यार बंदा कितना अजीब लगता है जब अगर कोई ब्लॉग बनाने वाला है उसको तो फील नहीं होता और देखने वाले को भी फील नहीं होता, लेकिन जो लोग हमें देख रहे होते हैं वो कहते हैं यार ये पागल है, फ़ोन पकड़ा हुआ है और लगा हुआ है बातें करने। मतलब वाकई यार सीरियसली बंदा कितना अजीब लगता है। एनीवेज हमें क्या लगे, हमने तो अपना ब्लॉग बनाना है
और अपने दोस्तों को खुश करना होता है, दिखानी होती है अपनी एक्टिविटीज़। अच्छा यार, बोलने में ना कुछ मिस्टेक्स करता हूँ मैं चीज़ों की, तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। अगर नहीं भी इग्नोर करेंगे तो कोई बात नहीं, चलेगा। फाइनली लो जी, हल्के फुल्के हो गए और फेस फ्रेश कर लिया है। अब चलते हैं दोबारा सेट पे और आपको वहाँ जाके जब शूट्स होंगे, अब मैं थोड़ी देर चाय पीऊँगा और मैं रिलैक्स करूँगा। मैं काफ़ी देर से घूम फिर रहा था, अब जो रिजवान था वो थोड़ा लेट आया क्योंकि उनका कल मैच था, तो अब मैच है इनका। बहरहाल एनीवेज, अच्छा यार कोई आपको पोइट्री वगैरह सुनाई जाए, आप पसंद करते हैं कोई शेर सुनाया जाए आपको? चले, मुझे ना एक गालिब का शेर याद आ रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, गालिब का एक शेर है, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुइन है, नींद ना जाने रात भर क्यों नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती, इसकी वजह यह है कि इंसान ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुनाह करता है और उसी की वजह से वो जो है ना, उसको पता होता है कि मैंने ये सब पंगे डाले हैं तो वो बाज नहीं आता। तो इसकी वजह से उसको पता होता है कि यार नींद नहीं मुझे आती, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन ये ज़िंदगी के एंड पे जाके उसको पता चलता है। एनीवेज, आज हम तो शूट पे हैं तो हम शूट से रिलेटेड बातें करेंगे, ये चीज़ें फिर कभी डिस्कस होंगी। चलते हैं अपने। कैमरा की जो टीम है वो यहाँ पे वर्किंग कर रही है। ये हमारा कैमरे का सेटअप लगा हुआ है, एरी कैमरे से शूट हो रहा है जी यहाँ का। लाइटिंग वाले लाइटिंग सेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो खाने पीने का इंतज़ाम होता है, आपको पता है साइड पे एक प्रोडक्शन का जो सामान है, यहाँ से आपको कॉफ़ी खाने का जो भी सामान जो कुछ आपको चाहिए हो आपको ईजीली मिल जाता है। बाकी आपका मेकअप वगैरह उसके लिए तो आप शूट वाली लोकेशन पर हर चीज़ मिल जाती है आप। लो जी, कपड़े आपके जी बॉस। इन दोनों में से कौन सी फिट है आपको? ठीक, ये वाइट वाइट वाली। हाँ जी, हम वाइट। ठीक हो गया, रेडी है जी। ओके जी, वार्डरोब रेडी हो गया है, तो नेक्स्ट लुक चेंज करके मिलते हैं जी। रिजवान भाई तैयार हो गए हैं सेट पे जाने के लिए और ये उनकी टीम है। ओ भाई पीछे हो जा, रिजवान भाई जो है ये तैयार हो गए। लड़के के पीछे 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 लुक के छुप गए छुप गए छुप गए छुप गए अंदर चले गए। ये सेट पे चले गए रिजवान भाई। नहीं तो वो जो जो कैमरा वो जो जो पकड़ा हुआ है ये उसकी उसकी मदद से ये खुद ब खुद मूवमेंट करता है। जो जिसने वेट को संभाला हुआ है वो सिर्फ आगे पीछे कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया यार, ग्रेट यार। इसको क्या कहते हैं, क्रेन? जिमी जिप। तो जी गाइस, ये यूज़ की जाती है कैमरा जब शॉट्स ऊपर से लेने होते हैं या ड्रोन की मदद से, तो ये जिमी जिप का इस्तेमाल किया जाता है। ये भाई करते हैं। अच्छा रिजवान भाई कपड़े चेंज कर रहे थे तो मैंने इमोजी लगाया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कल को कोई बात करे, कोई एजेंसी को या हमें, कि यार आपने ये क्या चीज़ मेंशन की है, तो उसको मैंने रोक दिया। एनीवेज, ये इंजरी हुई है भाई को, भाई कल क्रिकेट खेल रहे थे जैसे आप सबको पता ही है जी। जी भाई शूज पहन के जाएं हमारे शॉर्ट्स फिर आपके साथ। तो गाइज, आज हमारे साथ लीडिंग पे उमर भाई हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, उमर भाई के साथ मिस सोफिया हैं जो कि जब से आई हैं तब से मसरूफ ही हैं। क्या कर रही हैं आप सोफिया? चैटिंग कर रही हूं। चैटिंग कर रही हूं। चैटिंग नहीं कर रही, वीडियो चेक कर रही हूं जो बनाई है। ये दोनों, ये हम टोटल चार करेक्टर हैं इसमें, इस कमर्शियल में। उमर भाई, सोफिया, जिशान एंड आप सब। चौथा अब शॉर्ट्स दे रहा है। ये रिजवान भाई की बात कर रहे हैं जो क्रिकेटर है।
फाइनली हमारी जो ड्रेसिंग है वो रेडी हो गई है, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, वार्डरोब वगैरह हमने पहन लिया है। और ये जी हमारी टीम सोफिया, ये भाई बोलते नहीं है लेकिन फिर भी अवैस भाई से हाय बाय। किसी शूट पे हमें पुलिस वाला बना देते हैं, किसी पे हमें फौजी डॉक्टर, आज मुझे इन्होंने बैंक वाला बनाया है। रिजवान क्रिकेटर को मैंने पैसे देने हैं, कैसा सीक्वेंस अच्छा है ना। मेरे साथ हैं सोफिया और क्या नाम था आपका, उमर। उमर है हमारे डायरेक्टर साहब हैं जो इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। हेलो डायरेक्टर फोटोग्राफी, हाँ पूरी डिस्क्रिप्शन देना जी सर जी। और सोफिया आपने मुझे क्या हुआ था, आपने पैसे लेके वापस ले लिए। वापस नहीं मिलते पैसे, अब ये वो पैसे हैं जो कि हम क्या करते हैं दिखाते हैं, जैसे हमें मिलते नहीं है कोई शूट से, ऐसे ही है मौके पे ऐसे ही है, बाकी बाद में मिल जाते हैं हमें। तो फाइनली गाइस शूट हमारा हो गया, अब हम सब निकल रहे हैं घर की तरफ, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, दुआ याद रखें, मिलते हैं फिर शूट पे।